कैंट पुलिस ने लूट करने वाले कथित तौर पर अपने आप को एसएसबी का जवान बताने वाले को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रीजनल स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मारुति नंदन पुत्र दाताराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टौला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि कैंट पुलिस ने बताया कि 4 अप्रैल की शाम में रुस्तमपुर के पास से वादी मुकदमा से 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसों से भरा बैग लूट लिया गया था, जिसमें कुल 4,60,000 रुपए थे। उक्त लूट की घटना के संबंध में आवेदक शैलेंद्र कुमार मिश्र के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 24 अप्रैल को अभियुक्त अजीत मिश्रा उर्फ सोनू बाबा पुत्र शंभू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर व मनोज चौहान पुत्र दूतनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को थाना रामगढ़ताल गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए उक्त लूट से संबंधित 1,42,000 रुपए बरामद किया गया था एवं पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना में शामिल अन्य साथियों का नाम बताया गया था, जिस पर थाना कैंट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल वांछित अभियुक्त मारुति नंदन पुत्र दाताराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से कब्जे से लूट के 95,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोबाइल एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। सीओ कैंट ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह जम्मू में एसएसबी में प्राइवेट तौर पर खाना बनाने का काम करता है और वह अपने साथियों के बताने के अनुसार अपने गाँव भाग आता है। अपने गाँव के दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्त मनोज चौहान के बताए हुए व्यक्ति को टारगेट करके उसके पीछे अपनी मोटरसाइकिल से लग जाता है और अपने साथियों को उसका लोकेशन बताता रहता है एवं टारगेट किए गए व्यक्ति के रुकने व सुनसान स्थानों पर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना कारित किया जाता है। इसी प्रकार 4 अप्रैल को अभियुक्त मारुति नंदन ने अपने मित्र मनोज चौहान द्वारा बताए हुए व्यक्ति का पीछा किया एवं रुस्तमपुर ढाले के पास सुनसान व सही समय को देखकर अपने साथियों मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र विदेशी निवासी केवटहिया नकहा नंबर 1 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर सुनील चौहान उर्फ बहादुर पुत्र श्रीराम चौहान मनोज साहनी पुत्र देवमुनि साहनी राजकुमार पुत्र रामलोट चौहान वीरेंद्र कसौधन पुत्र स्वर्गीय ठाकुर कसौधन मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी गढ़ मोहरीपुर थाना चिलुआताल गोरखपुर तथा अजीत मिश्र उर्फ सोनू बाबा पुत्र शंभू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर उस व्यक्ति से 4,60,000 रुपए लूट लिया गया था। इन लोगों द्वारा लूट में मिले पैसों को अपने अपने काम के अनुसार आपस में बांट लिया जाता है। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिनका जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, निरीक्षक सुनील कुमार पटेल, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद, कांस्टेबल प्रेम बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, ये रुस्तमपुर ढाला थाना कैंट पर इसी अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपये लूटा गया था। उसी में शामिल दो लुटेरे जो कल रामगढ़ताल में
पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन जो थाना चिलुआ ताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये अभी जो प्राथमिक जानकारी आई है, पूछताछ में पता चला है ये एसएसबी में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। ये छुट्टी पर घर आया था और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। अब पूछताछ में इसने अपनी गलती स्वीकार की है कि मुझसे गलती हुई और मैं जो है कि उनके बहकावे में बहक गया था और इस लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। ये तो अभी एक ही घटना में शामिल था, इसने एक ही घटना में शामिल होना स्वीकार किया है और पूछताछ की जा रही है। पैसे कमाना ही मकसद था। पूछताछ में इसने बताया कि इसे पैसों की और ज़रूरत थी, इसलिए इसने जो है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया।